सब्सक्राइब कीजिए इंडियन आर्मी चैनल को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए घंटी का बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज उस महापुरुष की जयंती है जिसे दुनिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानती है। दोस्तों, आपको बता दें, सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, और जो बाडोली का सत्याग्रह हुआ था उस सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि धारण की गई थी, सरदार की उपाधि मिली थी। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इकलौते इंसान थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही वो हुनर था, वो दम था, वो ताकत थी कि वो ही एकमात्र इंसान थे इस धरती में जो भारत की जो छोटी मोटी 562 रियासतें थी उन 562 रियासतों को केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल ही मिला सकते थे। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि इस भारत में अगर कोई इंसान है जो सभी रियासतों को आपस में मिला सकता है तो वो केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज ही के दिन मूर्ति का अनावरण किया गया है, मूर्ति को देश को समर्पित की गई है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको भी गर्व होना चाहिए कि वाकई में भारत के उस लाल की मूर्ति आज बन के तैयार हो गई जो वाकई में भारत के लिए एक लौह पुरुष थे, भारत को एक ऐसी ताकत दी जो शायद कोई दे नहीं सकता था। मेरे जितने भी प्रमुख क्रांतिकारी हैं, मैं जितने भी अपने गुरुओं को मानता हूं, उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक प्रमुख स्थान रखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसे इंसान थे जो अपने दिमाग और अपनी ताकत के बलबूते देश को एक करने का दम रखते थे। इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, विश्वास है, कुछ कर गुजरने की ताकत है, तो आप भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की तरह कुछ कर सकते हो, भारत के लिए कुछ कर सकते हो, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, आप अपने देश के लिए सब कुछ कर सकते हो अगर आप में हौसला विश्वास है तो। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाकई में प्रधानमंत्री बनने लायक थे, मगर नेहरू जी की महत्वाकांक्षा के आगे उनकी एक नहीं चली और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। दोस्तों, आपको बता दें, शायद अगर उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए होते 1947 देश आजाद होने के बाद, तो शायद जो आज कश्मीर की समस्या है वो कभी पैदा ही नहीं होती, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही वो इंसान थे जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को रियासतों में मिलाने के लिए मजबूर कर दिया था और रियासत में साइन करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके अलावा जूनागढ़ के जो नवाब थे उनको भी उन्होंने अपने दम और अपने हौसले की बदौलत जूनागढ़ के नवाब को भी भारत की रियासतों में मिलाने के लिए मजबूर कर दिया। तो आपको बताना चाहेंगे, सरदार इस धरती में एकमात्र इंसान थे जिन्होंने इतनी ज़्यादा रियासतों को एक साथ एक जगह मिलाया था। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भारत के इस महापुरुष को अपनी ज़िंदगी में उतारें, कभी भी इस महापुरुष को भूले नहीं। दोस्तों, मुझे विश्वास है आप भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह देश के लिए कुछ करोगे। अगर आप एक छोटा सा काम भी करते हो लेकिन उसमें देश का फायदा है तो आप महान हो। दोस्तों, आप महान हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।